यहाँ पे भी लिखा है अपनी गाड़ी की टंकी यहाँ पे फुल कीजिए, पेट्रोल महाराष्ट्र से 13 रुपया सस्ता है इधर। भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे, एक एक कदम एक जगह पे रुके क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवरहीट हो गई है। दस देखो इंजन पे सुखाने डालो था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नीश एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलर नीश ब्लॉग। सो मैं हूँ अभी सापूतारा में होटल पुरोहित में और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। तो सबसे पहली बात और दूसरी बात ये है कि आज है दिवाली की पहला दिन, तो 24th of October 2022। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स है सबको हैप्पी दिवाली मेरी और मेरे चैनल की तरफ से। तो चलो भाई निकलने का हो गया टाइम, ब्रेकफास्ट करना है मुझे, लगेज वगैरह वगैरह सब लग गया। काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे सापूतारा की गलियों से। अब यहाँ से लेफ्ट लूँगा तो नासिक 77 किलोमीटर है और ये जो मॉल रोड है मतलब फूड कोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ फिर आगे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। कल पूरी रात मैं यहीं पे घूम रहा था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ऑलमोस्ट सब बंद। थोड़ा आगे देखता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा खुला था। ओह क्या हवा चल रही है, काफ़ी प्लेजेंट है। ओह यहाँ पे है, वहाँ पे लगा देते थे थोड़ा पार्किंग के लिए। तो पोहा जस्ट अभी मैंने फिनिश किया और वापस से डोसा मंगाया है। कितना हुआ आपका, क्या क्या लिया था? एक ब्रेड बटर, हाँ एक ब्रेड बटर, एक पोहा और एक मसाला डोसा। हाँ बस कितना? 200। चलो तो अभी नासिक यहाँ से 77 किलोमीटर है। वो नाश्ते वाले को मैंने बोला था यार तीखा बनाना पोहा मस्त तीखा, उसने बनाया तो अब जाके जान में जान है। पिछले 4 दिन से मीठा मीठा ही खा रहा हूँ। और ये जो लेक है कल मैं गया था और वो रूप है जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा कल का वीडियो भी देख लेना, काफ़ी सही है रूप पे, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। अभी बीच में ही लटकी है तो वेदर कंडीशन अच्छा है। मैंने फोकस देखा था मुंबई में भी बारिश नहीं है आज के दिन में, तो होप कि अच्छा हो जाए, अच्छा पहुंच जाऊं मैं, सूखा सूखा पहुंच जाऊं। और थोड़ा आराम से ही निकला हूँ 9 बजे और आज कुछ खास ड्राइव करना है 250 किलोमीटर अप्रॉक्स से कल के जितना ही, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी से ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट कल का दिन में मैंने ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस कवर कर लिया था। यह आखिरी पेट्रोल पम्प है मतलब ये बॉर्डर का, फिर इसके बाद तो महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू हो जाएगी, फिर अपने को महंगा मिलेगा पेट्रोल, तो इससे अच्छा यहीं पर टंकी फुल कर लेता हूँ। टंकी मैंने फुल करा ही है, इतना तो एक तो बचता ही है, वो कितना भी आप फुल करो तो भी। क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है अपनी गाड़ी की टंकी यहाँ पे फुल कीजिए, पेट्रोल महाराष्ट्र से 13 रुपया सस्ता है इधर। अभी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो 13 रुपया महंगा हो जाएगा। तो अभी मैं करूँगा स्टेट क्रॉस, फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग जगह से स्टेट क्रॉस कर रहा हूँ गुजरात महाराष्ट्र की। ज़्यादातर NH 48 से ही किए मैंने। आज आज वेदर काफ़ी कूल्ड है, 8:59 9 बज गए। अभी तो भगाऊंगा नासिक से, फिर एस्केलेटर पे खड़ा हो जाएगा नासिक 79। 80 किलोमीटर है नासिक यहाँ से। श्रेण दम्बे गौरी नारायणी नमस्ते वाह सप्तशृंगीगढ़ 58 किलोमीटर। सो अभी आप जो ये माउंटेन देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक्चुअली तौलिया हिल बोलते हैं और सात माड़ाची डोंगर रंग यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब सप्तशृंगीगढ़ अचला फोर्ट वगैरह यहाँ से पूरी स्टार्ट होती है। जो 7 फोर्ट है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज इनके, वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अनबिलीवेबल, छोटा बच्चा ट्रैक्टर चला रहा है, 12-15 साल का तो दिख रहा है शक्ल से, अभी तक मुझे भी नहीं आई है इसको। भाई पीछे मत ले, वैसे भी ट्रैक्टर से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इट्स टू रिस्की, तो इतनी समझ नहीं रहती, इतना प्रेजेंस हमसे रहता नहीं कभी ये उम्र में, और डायरेक्टली आप ट्रैक्टर दे रहे हो। ये कोई एक छोटा सा विलेज लगा है, नाम तो खैर पता नहीं। दिवाली की शॉपिंग हो रही है हर जगह, दिवाली दिवाली का पहला दिन है आज। चल रे बाबा कितनी टाइम घेतो हा, पूर्ण खचाखच भरून ठेवले आतमध्ये। यार गुजरात में था तो मुश्किल से 2 या 3 गड्ढे दिखे रहेंगे,
जब से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किया ना यार, हालत ख़राब हो गई स्पीड ब्रेकर और गड्ढों की वजह से। मतलब यार पैसा सब गवर्नमेंट के पास है, गुजरात के पास हो, महाराष्ट्र के पास हो, तो वहाँ पे रोड इतने अच्छे और यहाँ पे इतने बकवास, इतना पार्शलिटी क्यों यार? अच्छे बनाओ ना रास्ते, जबकि ये हाईवे सीधा नासिक जाता है। मतलब नासिक यहाँ से 25 किलोमीटर है। मतलब इतना सिटी एरिया नज़दीक होने के बावजूद भी आसपास के रोड अच्छे नहीं है, स्ट्रेंज। और खंडी मुंबई आगरा महामार्ग ओके NH3 कहाँ बीच में से कुत्ता लगे चल रहा है यार ये भी। सो आई हैव रीच नासिक और अभी मुझे NH3 को लगना है। तो भाई ये लग गया अपना मुंबई आगरा का हाईवे, बस अब कहीं रुकना नहीं है भाई। यहाँ से इगतपुरी 46 किलोमीटर है और अभी इतना दन डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जो डिस्टेंस अपना वेस्ट हुआ था और जो टाइम अपना वेस्ट हुआ था साला। अरे इधर भी खड्डे है, मुंबई आगरा हाईवे पे भी इतना खड्डा पड़ा। अरे क्या चल रहा है यार, हाईवे ये वो भी आगरा को जाता है, किसी भी हाईवे पे ट्रस्ट नहीं रहा साला। तो इस पर शायद बाइक अलाउड नहीं है, बट मैं काफ़ी बाइक देख रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी जो रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। पता नहीं यार, निखिल ने भी एक बार जिक्र किया था यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, पर यार नीचे से वो ट्रैफिक से होते हुए जाने से अच्छा है यहाँ ऊपर से जाओ। बात तो बराबर है, उसने भी कही थी कि क्या लेगा यार, फाइन ही लेगा ना, लेकिन वो तकलीफ से तो बच जाऊँगा। और वैसे भी इतने सारे बाइक तो दिख रहे हैं, चलो यार जो हो जाएगा देखा जाएगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 एन एवरेज इगतपुरी, नॉट बैड। हाईवे लग गया तो फिर क्रूज़ करना इजी हो जाता है यार। इससे जाएगा क्या मेरा सैडल बैग और इतना बड़ा ऑटो जा सकता है, तो अपुन क्यों नहीं। इतना गुस्से से क्यों देख रहा है मेरे लेफ्ट साइड में था वहाँ पर। कसारा घाट यहाँ से होता है अपना शुरू, और ये स्पीड ब्रेकर तो आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यार दिन भर। ये घाट सेक्शन पे तो है ही, आखिर तक इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अभी एक रैबिट गया यहाँ से, मतलब जैसे मैं गाड़ी चला था और सडनली रैबिट पास हो गया, मुझे लगा गाड़ी के नीचे तो नहीं आया। बाप रे, ये टाइम पे रैबिट ज़्यादातर रात में निकलते हैं। सही था, पूरा ग्रे कलर का था। खैर अभी यहाँ से शाहपुर आएगा, देन शाहपुर से ये हाईवे छोड़ दूंगा मैं लेफ्ट लेके, फिर वाया मुरबाड़ और फिर अपने घर पहुँच जाऊँगा। एक बज गया। स्पीड ब्रेकर। अब यहाँ से यार वापस से खराब रोड, फिर थोड़ा अच्छा रोड है फिर इसके आगे। अभी गर्मी फील होना स्टार्ट हो गई है। गुजरात में था तो थी गर्मी, धूप थी, पर वैसी नहीं थी। लाइक यहाँ पे कैसा है, महाराष्ट्र में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो इससे स्किन वगैरह टैन हो जाती है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी गर्मी थी लेकिन ऐसे स्किन टैन नहीं हुई, नहीं ऐसे चटके बैठ रहे थे। अभी मैं राइडिंग जैकेट के अंदर मुझे फील हो रही गर्मी, पर यार ठीक है, वो बारिश से तो बहुत हज़ार गुना बेहतर है। क्योंकि डे वन के आपने वीडियो में मुझे देखा रहेगा, बारिश ने जो मेरी बैंड बजाई थी साला, बॉर्डर छोड़ने तक परेशान किया, लेकिन जैसे ही गुजरात एंटर किया ना, बारिश की एक बूंद नहीं मुझे दिखी अब तक। बस अभी आज का दिन है, आज का दिन ना गिरे और अभी डायरेक्ट अगले साल आए वही बेटर है, क्योंकि नहीं तो दिवाली की लग जाएगी। आज वैसे भी दिवाली का फर्स्ट डे है। गुजरात में मैंने पेट्रोल भरा था
तब से गाड़ी अभी तक वही पेट्रोल पे चल रही है, एक बार भी मैंने रिफिल नहीं किया दिन भर में। अच्छा खासा पेट्रोल चलता है यार, मुझे पैंस भी लगी। एक्चुअली मेरा पानी भी ख़त्म हो गया बॉटल का वो, तो अभी घर जाके पीऊँगा और खाना भी खाऊँगा, क्योंकि वैसे भी दोपहर बज गई, 2 बज गए और मेरा घर अभी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं, इट्स हार्डली 30 मिनट्स। भाई देखो ये बॉटल स्टैंड कैसा लग रहा है, मस्त है ना। ये मैंने एक्चुअली कब का लाया था पर बिठा नहीं था, पर ये राइड से पहले सोचा कि इसको बिठा दूँ, और काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब पानी पियो, बॉटल इधर ही रख दो, टेंशन नहीं है। इस पीछे के सैडल बैग में यहाँ पे झुकना पड़ता है, फिर वो कवर से निकालो, फिर वापस लगाओ, दो हाथ लगाना पड़ता है, इसमें एक ही इसमें काम हो जाता है। अच्छा यार, इतने देर से मैंने ऐसे घर पर रखा था, लगाना चाहिए था। और एक यहाँ पर भी लगाऊँगा ये साइड। अरे यार, यहाँ पे पूरा रास्ता रोको आंदोलन चल रहा है। रोड स्टेबल नहीं ना इसकी वजह से। बाप रे, गाड़ी स्टेबल ही नहीं होती है। पूरा रास्ता पैक करके रखा था ये बेचारा, तो झारखंड से आया, कंफ्यूज हो गया, जाए क्या इधर ही रुके जब तक ये काफिला नहीं जाता। ये क्यों ऐसे बीच में खड़ा है? इट्स ऑलमोस्ट 3 PM, 3 बज गए मुझे घर पे आते आते। तो सैडल बैग मेरी गीली हो गई थी, उसको मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया, और अच्छा हुआ ये मैंने निकाला नहीं था औरंगाबाद राइड के बाद, बहुत काम में आया ये टाइम भी है। सो गाइज, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, मुंबई टू गुजरात एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी सापुतारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, पूरी सीरीज़ अच्छी है, देख लेना अच्छे से। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लेना। बाय बाय।